जी भाई, आप दुबई में सलून खोलना चाहते हैं, उसका आप लोग लाइसेंस कैसे लेंगे, उसका आप लोग वीज़ा की तरह कैसे लेंगे, और उस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, और कितने दिनों में आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, और आप लोगों को जो शॉप लेनी है शॉप का रेंट कितना होता है, मुकम्मल इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम, सब भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब देख रही से होंगे। तो काफ़ी भाइयों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सलून का यहाँ पर काम कैसा है, और अगर सलून ओपन करना चाहते हैं तो उस पर हमारा कितना खर्चा आता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप भाइयों को बताऊंगा कि आप लोगों को का वीज़ा कैसा मिलेगा, और आप लोगों को लाइसेंस कैसे मिलेगा, और कितने में मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को बार बार मिलता रहे। तो भाई जो भाई दुबई में सलून खोलना चाहते हैं या किसी कंट्री में खोलना चाहते हैं, मैं दुबई की बात करूंगा कि अगर आप लोग दुबई में सलून अपना ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। वीज़ा जो है आप लोगों को 4 से 5 हज़ार दिरहम में वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस जो है वो आप लोगों को मिल जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये में लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को शॉप लेनी पड़ेगी, आप लोगों ने लोकेशन देखनी है अपने हिसाब से कि लोकेशन कैसी हो, किस जगह पर लोकेशन हो, उसके हिसाब से रेंट होता है उनका। यहाँ पर अगर रेंट की बात की जाए तो रेंट जो है वो यहाँ पर रेंट सालाना चलता है, ठीक है। आप सालाना ये रेंट इकट्ठा भी दे सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है आप 3 मंथ 4 मंथ के बाद भी रेंट दे सकते हैं, ठीक है, कि मतलब थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट में भी रेंट दे सकते हैं। उसका अगर रेंट की बात की जाए तो मुकम्मल कितना 20 से 25 हज़ार रेंट होता है सालाना, आप लोगों को वो पे करना पड़ता है। और उसके बाद आप लोगों ने अपने हिसाब से शॉप की जो सेटिंग वगैरह है वो करनी है, ठीक है। उस पर सारी बात है, सीलिंग वगैरह है, शीशे का काम होता है, लाइटिंग वगैरह होती है, एसी वगैरह होता है, तो वो डेकोरेशन वगैरह जो आप लोगों ने करनी है उस पर आप लोगों का 20 से 25 हज़ार दिरहम खर्चा आ जाता है। तो जो चेयर वगैरह की अगर बात की जाए, चेयर वगैरह यहाँ पर कितने की मिलती है, जो चेयर होती हैं, ठीक है, चेयर की बात की जाए, चेयर जो अच्छी से अच्छी है 1000 से 1500 दिरहम में आप लोगों को चेयर मिल जाती है, ठीक है। और वीज़ों की बात की जाए, आप लोग कितने वीज़े निकलवा सकेंगे, तो आप लोगों ने जितनी चेयर लगवानी है, अगर 8 चेयर हैं, 10 चेयर हैं, जितनी भी चेयर हैं उसके मुताबिक आप अपने वीज़े निकलवा सकते हैं। आप लोगों के वो उतने वीज़े निकलाते हैं, आप लोगों को वो कंपनी के वीज़े होंगे। और बात की जाए यहाँ पर कि कटिंग वगैरह सलून में जो है वो कितना लेते हैं शेप वगैरह के, कटिंग के, तो कटिंग के यहाँ पर चलते हैं 10 से 15 दिरहम कटिंग के चलते हैं, 10 दिरहम चलते हैं छत वगैरह शेप के चलते हैं। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर खैर हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा लेबर एरिया है, लेबर एरिया में ज़्यादातर वो लेते हैं, वहाँ पर 5 और 10 दिरहम लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है दुबई में सलून का भी। आप लोग जो भाई अपना सलून ओपन करना चाहते हैं तो ईजी होकर अपना सलून ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये सबकी ज़रूरत है, और ये हर इंसान ने इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी जो आप भाई के साथ शेयर करनी थी। तो किसी भाई को और इससे अलावा कोई सवाल करना हो, कोई चीज़ हो, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस भाई को रिप्लाई देने की। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सलून है, लोगों ने ओपन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग इस काम में फ़ायदे उठा रहे हैं माशाल्लाह। इसके अगर देखा जाए तो इनकम भी अच्छी खासी आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,